गांव के लोग ऐसा सोचते हैं कि लड़की का जन्म होता है तो लड़की क्या है कि अगर पढ़ी लिखेगी तो वो दूसरे परिवार को खुश रखेगी, हमें तो नहीं रखेगी, इसीलिए लोग पढ़ाना नहीं चाहते हैं। मेरे गांव में मतलब एक ऐसी लड़की है जो स्कूल नहीं जाती थी, जैसे कि उसके घर में बहुत सारा काम था, उसके मम्मी पापा कहीं बाहर मजदूरी के लिए जाते, वो लड़की मतलब घर का काम करती थी, बकरी चराने जाना, पानी भरना, रोटी बनाना, बर्तन साफ करना। क्योंकि वैसे तो यहाँ पे लड़का लड़की दोनों के लिए ही वैसे तो एजुकेशन के मामले में बहुत नीचे हैं, लेकिन खासकर लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता यहाँ पर। स्टीम का सबसे मेन ये ध्यान देती है कि लड़कियों को किसी ना किसी प्रकार से स्कूल से और शिक्षा से जोड़ा जाए। हमने डोर टू डोर सर्वे की थी, जो कि मतलब जो लड़के स्कूल नहीं जाते थे उनके घर पर जाके पता किया कौन लड़की स्कूल नहीं जा रही है। हम मिलकर हम शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं, प्लस उनको कैसे प्रोत्साहित करना, क्या क्या समस्याएं हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। काफ़ी सारा बदलाव आया, लोगों में भी आया और गांव में भी आया, बच्चों में और लोगों में उत्साह बढ़ा, शिक्षा के प्रति जागरूक हो रहे लोग। फिर उनके घर पे जाके उनके माता पिता को समझाया कि लड़कियों को स्कूल जाना चाहिए, फिर उन लड़कियों का नामांकन करवाया। नामांकन के अलावा तो उनका ठहराव करवाना, स्कूल में जाके उन्हें बार बार चेक करना है कि वो लड़की स्कूल आ रही है या नहीं आ रही है। पहले बच्चों को पता नहीं थे, डायरेक्ट वर्ड से समझाया जाता था तो उनको पता नहीं, तो अब जीके पी किट आने के बाद चित्र के माध्यम से समझाया जाता तो बच्चों को पता चलता है ये जानवर है, इनको इंग्लिश में ये बोलते हैं, उनका कलर पता है, कलर के माध्यम से बच्चों को बताते, चित्र के माध्यम से कलर बताए जाते हैं। हाँ, इंग्लिश में जैसे कि ABCD एंड छोटे छोटे मीनिंग सिखाना, चित्र के माध्यम से कुछ सिखाना।